बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए आज सुबह 6:15 बजे खुल गए। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम को 12 कुंटल फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद आज बाबा बद्री विशाल का भी कपाट खुल गया है। कोरोना के 2 साल के बाद चारों धाम की यात्रा सुचारू रूप से अब चलेगी। ठीक 6:15 बजे श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए कपाट खुल गया। देश भर से, अलग अलग राज्यों से यहाँ भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी और आज के बाद से श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले गुरुवार को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में 6 महीने के प्रवास के बाद भगवान विष्णु को बद्रीनाथ धाम ले जाने की तैयारियां शुरू हुई थी। शुक्रवार को ये यात्रा योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंची। शनिवार को पांडुकेश्वर से तेल कलश यात्रा के साथ उद्धव जी और कुबेर जी की डोली भी बद्रीनाथ धाम पहुंची। तड़के सुबह 3 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। श्री कुबेर जी लक्ष्मी द्वार से मंदिर पहुंचे, वहीं श्री उद्धव जी की डोली मुख्य द्वार से अंदर लाई गई। कपाट खुलने के बाद भक्तों ने मंदिर में प्रज्वलित अखंड ज्योति के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने यात्रा पर कोई रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। साथ ही एक दिन में दर्शन के लिए सिर्फ 15,000 भक्तों की लिमिट तय की गई है। बद्रीनाथ धाम के आसपास लोगों के ठहरने की काफी अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए यहां केदारनाथ धाम की तरह अफरा तफरी नजर नहीं आई। गाड़ियों पर भी कोई रोक नहीं है, जिससे लोग 30 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर या 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ से भी आराम से बद्रीनाथ धाम तक पहुँच पा रहे हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ के रास्ते में कई खतरनाक लैंडस्लाइड जोन है। यात्रा का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक डेंजर जोन को सुरक्षित नहीं किया गया। अभी भी जगह जगह पर काम जारी है। वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का किराया 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति यात्री कर दिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर देश का आखिरी गांव माना है। यहां के लोग साल में केवल 6 महीने ही अपने गांव में रह पाते हैं। बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलने के 3 से 4 दिन पहले ही ये अपने गाँव की ओर वापसी करते हैं और अक्टूबर तक यहीं रहते हैं। कोरोना के चलते लगभग 2 साल बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट आम भक्तों के लिए खोले गए हैं। अब अगले 6 महीने तक भक्त बद्री विशाल के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि सच